सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कच्ची दाबेली बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 ब्रेड लिए हैं, ऑयल 3 आलू बॉईल करके ले लिए हैं, 1 अनार के दाने निकाल लिए हैं, 1 कप जितनी मूंगफली लेनी है जिसे हमने भून लिया है, जिसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून लहसुन की चटनी जो मैंने बनाई है, और 1 टेबलस्पून से भी ज़्यादा थोड़ा सा मसाला। ये दोनों का वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो मेरी चैनल पे डाला है, दाबेली का मसाला और ये लहसुन की चटनी का वीडियो मैंने डाला है। वही चटनी के वीडियो में मैंने इमली की चटनी और कोरिएंडर की चटनी का भी वीडियो ऐड किया है, तो आप ज़रूर देखें। यहाँ पे मैंने सेव लिए, एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून जितना ऑयल, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हमें जो मसाला लिया है उसमें से 3 से 4 टेबलस्पून मसाला लेना है और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करना है और दोनों को अच्छे से पेस्ट बना लेनी है। इस पेस्ट को हमें ऑयल में ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी देर तक इसे भून लेना है। उसके बाद हमें जो आलू मैश करके लेने हैं, जो आलू हमने उबाल के लिए हैं उसे हम मैश करके इस पेस्ट में डाल देंगे। फ्रेंड्स, कच्ची दाबेली का मसाला बनाना बहुत ही आसान है और उसे आप 3 महीने तक फ्रीज में स्टोर करके भी आराम से रख सकते हो, और उसका मैंने सेपरेट वीडियो मेरी चैनल पे डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगी, तो वो वीडियो आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। अभी हम आलू को इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पका लेंगे। अभी हमें जो इमली की चटनी ली है उसमें से 2 टेबलस्पून चटनी इसमें ऐड करनी है, जिससे कि इसमें खट्टा और मीठापन दोनों आ जाए, और हमें 3 से 4 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करना है, क्योंकि दाबेली का जो मसाला होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसकी वजह से इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे चिकना सॉफ्ट बना देंगे। अभी भी ये गाढ़ा है तो इसमें अभी थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे, उसके बाद हमारा स्टफिंग रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, यहाँ पे मैंने 1/2 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड किया है, क्योंकि फ्रेंड्स सारी चटनी में हमने नमक डाला ही है और मसाले में भी हमने नमक डाला है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अभी हम इस स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने 1 प्याज और अनार के दाने और मूंगफली के दाने लिए हैं। वो तीनों चीज़ें हम इस तरह से बैटर में, जो हमने स्टफिंग रेडी किया है जिससे ठंडा होने दिया है, उसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज हमें ज़्यादा डालनी है, प्याज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारी सारी प्रिपरेशन रेडी हो गई है। अभी हमने जो ब्रेड लिए हैं उसे हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद हमें डालना है सारी चटनियों को इस तरह से स्प्रेड करना है, इमली की चटनी, लहसुन की चटनी और जो हमने ग्रीन चटनी ली है। इस तीनों का वीडियो मैंने सेपरेट अपने चैनल पे डाला ही है, तो आप इसे चेकआउट ज़रूर करें, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये तीनों चटनी को इस तरह से स्प्रेड कर देगी। उसके बाद हमने जो स्टफिंग रेडी किया है उसे भी अंदर भर लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी सेव डाल लेंगे, मूंगफली के दाने, प्याज और अनार ऐड कर लेंगे और इसे इस तरह से डैप कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी दाबेली रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से भी
चटनी को स्प्रेड करेंगे जिससे कि दोनों तरफ से ये चटनी अच्छे से लग जाए। और सेब को भी डाल देंगे, उसे हमें इसी तरह से हम तीन कच्ची दाबेली रेडी कर लेंगे और इसे हमें थोड़ा सा सेक लेना है। अभी हम एक पैन ले लेंगे, उसे थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे और इस तरह से ब्रेड को रख देंगे, पाव को जो हमने कच्ची दाबेली बनाई है उसको रख देंगे, उससे दोनों तरफ से अच्छे से थोड़ा सा सेक लेंगे। उसके बाद इसे हमें सर्व करना है, तीनों चटनी को मिक्स करके उसे सर्व करना है। ये हमारी एक तरफ से सिक जाए उसके बाद इसे हमें घुमा लेना है, इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देना है। आपको अगर बटर लेना हो तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ऑयल ही लिया है क्योंकि दाबेली वाले हमेशा स्विस स्टाइल जो दाबेली बनाते हैं उसमें ऑयल का ही यूज़ करते हैं। ऑयल से भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, लेकिन आप अगर घर पर बना रहे हो खाने के लिए तो आप बटर भी ऐड कर सकते हो, ऊपर स्प्रेड कर देते तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हो नीचे से एकदम से सिक के रेडी हो गई है। अभी थोड़ा सा हमें उसके बैक साइड भी सेक लेना है। और याद रखें फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम हमेशा स्लो रखें। तो रेडी है हमारी दाबेली। ये घर की एकदम हेल्दी दाबेली बन के रेडी हो गई है और तीनों चटनी में इतने सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं जिससे कि ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, हेल्थ के लिए। तो आप भी इसी तरह से घर पे दाबेली बनाइए और अपने घर पे सभी को खुश रखें। फ्रेंड्स, ये दाबेली बहुत ही टेस्टी बनी है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर है। तो आप भी ये मेरा वीडियो देख के एक बार ये दाबेली घर पे बनाने की ज़रूर ट्राई करें। एंड हाँ, आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स दे देती हूँ, तो उसे चेकआउट करना ना भूले। एंड लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि